बृहस्पति दधातु स्वस्ति न इन्द्रो रजस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्थालिषु वारिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनुहरि मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनुहरि मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनुहरि मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनुहरि मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनुहरि। सर्वे बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वे बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। सच कह रही हूँ, आप यहाँ पर बेहोश पड़ी थी और वहाँ ड्रामे में कोई और दमयंती माला लिए खड़ी थी। या अल्लाह, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर क्या हुआ था। ये शादी दमयंती की नहीं, हमारी है, और अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। कौन हो तुम? क्या अल्लाह, हमें बेहोश करकर खुद दमयंती बन गई, हम तो कहीं के नहीं रहे। भारत, रघुनाथ, पहले महाराज की सुरक्षा करो। सैनिक आओ जल्दी। महाराज आप सुरक्षित तो है ना? जाओ रक्षा कवच बना। जल्दी आओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है महाराज कि आप बच गए। महाराज ये तो अति हो गई, सामान्य जीवन जीना दूभर कर दिया इन षड्यंत्रकारियों ने। महाराज कृपया यहाँ से चलिए, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ एक पल भी रुकना उचित नहीं। नहीं नरसिंह राव जी, हम जानना चाहते हैं कि यह मूर्खतापूर्ण दुस्साहस किसने किया। रघुनाथ जी महाराज, अपने सैनिकों को लेकर जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो। वो धूर्त अभी रंगशाला से बाहर नहीं निकल पाया होगा। जाओ। जो आ गया महाराज। आज तो मोती भाई साहबा ने कमाल कर दिया, हम तो कायल हो गए इनकी जहानत के। अगर ये नहीं होती तो यकीन मानिए खुदा ना खास्ता आपकी तो जान गई थी। तौबा तौबा। इसका कुछ कुछ आभास
तमे भी हो। परंतु संपूर्ण नाटक में दमयंती ने अपना घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ? दिखाइए सबको अपना चेहरा। बहुत अच्छा अभिनय किया था। Seeing that something like this has happened to the king. We must hunt down these culprits. Your Majesty, this is too much. I cannot tolerate it anymore. Main aaj hi company Bahadur se aapke full protection ke liye 3 regiments Jhansi mein bhejne ke liye recommend karunga. Iski koi avashyakta nahi, Mr. Fraser. Hum apni aur hamari praja ki raksha karna achhi tarah jante hain. समझ कर ये सब तुम फिरंगियों का करा धरा है। पहले हमें बरगलाया और अब किसी और का सहारा लेकर हमारे महाराज गंगाधर राव को मारना चाहते हैं और बजाय हमारे इनकी जान बचाए मनी कर निकाले। आज तुम मोती भाई साहिबा ने फरिश्ता बनकर कमाल कर दिया। आप ठीक कह रहे खान साहब, परंतु इस षड्यंत्रकारी घटना के पीछे हमें कई हाथ दिखाई दे रहे। और महाराज, उनमें से एक हाथ मैंने पकड़ लिया है। Sergeant, take her into custody. Ruk jaiye, Fraser sahab.
आप तो सिर्फ इसे गिरफ्तार करेंगे। इतनी जलील और सफाक हरकत करने के लिए बेटा अपनी मां को वो सजा देगा, देखने वालों का रूह कांप जाएगी। आप इन्हें मारना चाह रही थी, हमारे चचा जान को मारना चाह रही थी। आपको जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है बाप। जान अपना किनारा कितना पाया मुझे। रुक जाओ अली बहादुर, रुक जाओ। ना ही हम इन्हें ब्रिटिश सरकार को सौंपेंगे और ना ही बिना हमारे आज्ञा के आप ऐसी कोई हरकत करोगे। हमें इनसे बहुत कुछ पूछना है। अगर इस बार गंगाधर राव बच गया और भूल से आपके मुंह से मेरा नाम निकल गया तो आप अपने बेटे को खो दो। ले जाओ ने और बंद कर दो बंदीगृह में। ले जाओ सैनिकों। क्षमा कीजिएगा महाराज, अब हमें महल के लिए प्रस्थान करना चाहिए। महाराज एक क्षण के लिए रुक, एक प्रश्न सेवक को विचलित कर रहा है। कहिए पंडित जी। महाराज जिस समय मोतीबाई दमयंती के रूप में आपको वरमाला डालने जा रही थी उस समय इन्हें कैसे आभास हुआ कि आपके ऊपर प्राणघातक हमला होने वाला है? महाराज जिस समय मोतीबाई दमयंती के रूप में आपको वरमाला डालने जा रही थी उस समय इन्हें कैसे आभास हुआ कि आपके ऊपर प्राणघातक हमला होने वाला है? हुजूर, जिस वक्त हम आपके गले में वरमाला डालने जा रहे थे उस वक्त हमने आईने में लच्छो साहिबा का अक्स देख लिया था, इसीलिए जल्दी से हमने बजाय हुजूर के आईने पे पड़े उनके अक्स पर वरमाला डाल दी थी और लच्छो साहिबा ने अपना कहर उस आईने पर नाजिल कर दिया। देखा हुजूर किस अकलमंदी से काम लिया है। किंतु महाराज क्षमा कीजिएगा पंडित जी, एक तो मोतीबाई साहिबा ने हमारे हुजूर की जान बचाई, बजाय आप उसकी तारीफ करने के सवालों की बौछार किए जा रहे हैं। ये किबला मेरे ख्याल से तो इन्हें इनाम और इकराम से नवाजना चाहिए। यकीन आगे मोती भाई क्या चाहिए आप? हम सचमुच प्रसन्न हैं आपसे, आज आपने हमारे प्राण बचाए, आज जो मांगेंगे अवश्य। हुजूर, हमारा पूरा वजूद आपकी खैरात पे जिंदा है, हम खुश तो तब होते जब हम आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देते। और हमारे लिए वही सबसे बड़ा इनाम होता। वाह हुजूर वाह,
वफादारी तो जैसे खून में शामिल है। मैंने सारे कांच के टुकड़े निकाल दिए हैं महारानी साहब। क्यों गई थी मधु दीदी? महारानी साहब, हमने अपने बाबा से और सुखलाल चाचा से आपकी वीरता के बारे में सुना तो था, आज अपने आंखों से देख भी लिया। आपने अपने इस तरह अपनी जान पर खेलकर अपने पति की जान बचाई। सचमुच आप महान हैं। हमारे लिए आप देवी समान है महारानी। मोती भाई, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जिस वीरता से आपने हमारे प्राण बचाए उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। और इसीलिए हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। हमारे लाल बगीचे के संपूर्ण जागीर मोतीबाई के नाम की जाए। और दमयंती का चरित्र जीवित अभिनित करने के लिए हम आपको नाट्य शिरोमणि के उपाधि से अलंकृत करते हैं।